सब्सक्राइब कीजिए सिंपल एंड इजी क्लासेस को और स्टडी से जुड़ी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाइए। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सिंपल एंड इजी क्लासेस। आज की वीडियो रोहिलखंड विश्वविद्यालय और उससे एफिलेटेड सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आपको बता दें, बहुत ही लंबे समय से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, मैम हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, हम कब से कॉलेज जाना स्टार्ट होंगे। तो आपको बता दें कि आपका जो कॉलेज है अब वो ओपन होने जा रहा है और आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके अलावा इससे सबसे बड़ी जानकारी ये है कि आपकी क्लासेस स्टार्ट होने के साथ साथ ये भी बता दिया गया है कि आपके मिड एग्ज़ाम्स कब होंगे। आपको बता दें कि जो अब तक के ईयरली कोर्स थे उसमें मिड एग्ज़ाम्स नहीं होते थे, जिस वजह से कोरोना के चलते 2 साल से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन इस बार शासन ने ये सोचा है कि मिड टर्म करवाए जाएं, जिससे कि अगर कोई भी स्थिति बिगड़ती है तो स्टूडेंट्स को आसानी से मिड टर्म के मार्क्स के अकॉर्डिंग क्लियर कर दिया जाए। तो हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी और आपके मिड टर्म कब कब होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके एग्ज़ामिनेशन या एडमिशन से जुड़ी जो भी अपडेट आती है तुरंत आपको हमारे वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मिड टर्म परीक्षाएं करना होगा ज़रूरी। मिड टर्म से मतलब था, जैसे कि होता है ना कि एक साल में कुछ कोर्स आ जाता है, हो जाता है, फिर दोबारा से थोड़ा सा कोर्स आ जाता है, फिर आपका टेस्ट हो जाता है। इस टर्म से आपका मिड टर्म होगा। कोरोना की वजह से बीते 2 सत्र से परीक्षाओं के आयोजन में दिक्कतें हो रही हैं। स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को बिना परीक्षा के ही प्रोन्नत किया गया है। भविष्य में कोरोना या अन्य कारणों की वजह से छात्रों को प्रोन्नत करने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए सत्र 21-22 में मिड टर्म की परीक्षाएं आयोजित करना अनिवार्य होगा। शासन ने 13 सितंबर से विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में सेमेस्टर और शैक्षणिक कैलेंडर शुरू होने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि MJP रोहिलखंड विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालयों में अभी तक शैक्षणिक कैलेंडर शुरू नहीं हो सका है। यहाँ बात ध्यान देने वाली है कि शासन ने तो 13 सितंबर से कह दिया है कि सभी कॉलेज और आपके यूनिवर्सिटीज़ ओपन कर दी जाएं, लेकिन रोहिलखंड विश्वविद्यालय से एफिलेटेड कॉलेजेस में अभी तक जो शैक्षणिक सत्र है या शैक्षणिक कैलेंडर है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ अभी तक परीक्षाओं का आयोजन ही हो रहा है। सत्र 19-20 में MJP रोहिलखंड विश्वविद्यालय की कुछ परीक्षाएं हो गई थी, बची हुई परीक्षाएं हो गई थी और कुछ जो हैं वो अब हो रही हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना से पहले कुछ तो हो गए थे एग्ज़ाम्स, कुछ बचे थे तो वो अब हो रहे हैं, जिस वजह से नेक्स्ट क्लास जो है आपकी वो अभी तक स्टार्ट नहीं की गई है। शासन के निर्देश पर स्नातक और परा स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाएगा। प्रोन्नत छात्रों को अगली कक्षा के अंक के आधार पर प्रोन्नत कक्षा में अंक दिए जाएंगे। अभी स्नातक द्वितीय और परा स्नातक अंतिम वर्ष के रिजल्ट नहीं आए हैं, इस वजह से अभी उनके अंक पूर्व की कक्षाओं के अंक भी निर्धारित नहीं हो सके हैं। इसी तरह के सत्र से 20-21 में भी स्नातक प्रथम और परा स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षाएं निरस्त कर दी गईं। इन छात्रों को भी अगली कक्षा में प्रोन्नत किया गया, इन्हें भी अगली कक्षा के अंकों के आधार पर ही अंक दिए जाएंगे। 2 साल से कोरोना की वजह से हो रही दिक्कतों के चलते शासन ने इस बार मिड टर्म परीक्षाएं अनिवार्य कर दी हैं। नई शिक्षा नीति में भी इसका जिक्र किया गया है। मैंने आपको अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में ही बताया कि 2 साल से कोरोना की वजह से फर्स्ट ईयर को प्रमोट किया जा रहा है और इस बार ऐसा ना हो इसके लिए मिड टर्म आयोजित किए जा रहे हैं। तो आपके जो मिड टर्म है और आपकी क्लासेस हैं उसके बारे में बात करें तो इस तरह से आपकी परीक्षाएं होंगी। शासन ने 9 सितंबर से सेमेस्टर व वार्षिक पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है। इसके तहत 13 सितंबर से सभी पाठ्यक्रमों की कक्षाएं संचालित होनी हैं।
आप चाहे किसी भी कोर्स के हों, आपकी 13 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट होनी है। तो जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो मुझसे पूछ रहे थे मैम हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो 13 सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है। इसके लिए आप एक बार अपने कॉलेज में कॉन्टेक्ट कर लें कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं। मिड टर्म की परीक्षाएँ 1 नवम्बर से 10 दिसंबर 2022 के मध्य आयोजित की जाएंगी। आपका जो फर्स्ट मिड टर्म होगा वो आपका 1 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में हो जाएगा। उसके बाद पूर्व में अध्ययनरत छात्रों की प्रथम टर्म की परीक्षाएं, मतलब जो पहले से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, जो नए आएंगे स्टूडेंट्स के लिए उनके लिए तो ये डेट है, लेकिन जो पहले से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए 1 नवंबर से 10 दिसंबर तक आपके जो मिड टर्म है वो करवा लिए जाएंगे। और द्वितीय टर्म की परीक्षाएँ फरवरी 2022 में आयोजित कराई जाएंगी और 20 अगस्त 2022 तक सभी परीक्षाओं के रिजल्ट भी जारी करने होंगे। तो आपको 20 अगस्त 2022 तक पूरी तरह से फ्री कर दिया जाएगा अपने कोर्स से या फिर आपके जो भी एक पूरा सेशन होता है उससे, और आपके साल में 2 बार मिड टर्म होंगे और उसकी डेट भी यहाँ पर दी गई है। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको ईजिली यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।